हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशंस फॉर हैवी ड्यूटी बर्नड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या लेट डाउन किए हैं उनको जस्ट ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज स्पेसिफिकेशंस। सो बेसिकली जो हमारे स्पेसिफिकेशन हैवी ड्यूटी बर्नड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के, दे आर गवर्न्ड बाई IS 2180, जो कि हमारा 2002 में रीअफर्म हुआ था, और जो हमारा 1988 का मतलब है कि दिस इज द ईयर जब हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस कोड को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली हैवी ड्यूटी का जो जेनरिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब है कि दैट आर डिजाइन टू हैंडल द डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे बिल्डिंग ब्रिक्स जिनको हम हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ब्रिक्स को हम हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स बोलते हैं। बर्न्ड इज बेसिकली दी कि प्रोसेस हम कैसे उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड रिवीजन। तो सबसे पहले हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने इस कोड को 1988 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इनिशियली सबसे पहले ये स्टैंडर्ड जो पब्लिश हुआ था वो दैट वाज पब्लिश्ड इन 1962, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1970 और 1980 दो बार और रिवाइज हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1962 में पब्लिश हुआ, दो बार रिवीजन हुए, एंड दिस इज द थर्ड रिवीजन जब ये 2002 में रीअफर्म हुआ। तो बेसिकली इस वाले कोड में क्या किया इन्होंने, जो ब्रिक्स का डिजिग्नेशन था वो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया गया, विच वॉज बेस्ड इन एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, पहले किलो जूल केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, बेसिकली MKS सिस्टम में था, अब इन्होंने SI सिस्टम में इसको कर दिया। और जो हमारे सब क्लासिफिकेशंस थे, सब क्लासिफिकेशन A और B, इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, और जो टॉलरेंस की लिमिट थी डायमेंशन पे वो भी हमारी चेंज हो गई। सो बेसिकली हैवी ड्यूटी बर्न्ड ब्रिक्स जो है, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स को हम इंजीनियरिंग ब्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जो है दे आर नोन एज इंजीनियरिंग ब्रिक्स। ठीक है, दे आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन मैसेनरी हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे कि आपको ब्रिज स्ट्रक्चर्स बनाना है तो वहां पे अगर आपको ब्रिक की अबेटमेंट बनानी है, ब्रिक की रिटेनिंग वॉल बनानी है, इंडस्ट्रियल फाउंडेशंस में ब्रिक मैसेनरी का यूज करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आपको यूज करना है, तो इन सभी हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में आप हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। तो इस कोड में बेसिकली हमारी कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्लॉज 1.1 है जो कि ये बोलता है कि दिस लेट डाउन द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, जनरल क्वालिटी की बात करेंगे, डायमेंशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स की क्या होनी चाहिए वो हम बात करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है कि क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जो है हमारा हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का, दैट इज बेस्ड ऑन द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ब्रिक की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है उसके बेसिस पे हमने हैवी ड्यूटी ब्रिक्स को क्लासिफाई किया दो क्लासेस में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे है, एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, तो पहली क्लास है क्लास 40, दूसरी क्लास है हमारी क्लास 45। तो क्लास 40 जो हम इसको डिजिग्नेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इट इज greater than or equal to 40 newton per mm square and it should be less than or equal to 45 newton per mm square। ठीक है, ये यूनिट जो है this is in kilo kg force per centimeter square, तो इसको आप अभी ignore कर दीजिए। और जो दूसरा designation है class 45, इसमें केवल minimum specified limit दी हुई है compressive strength की, तो it should be greater than 45 kilo newton per newton per mm square। ठीक है, upper limit is not prescribed for class 45। तो दो क्लासेस में हमारे हैवी ड्यूटी ब्रिक्स अवेलेबल हैं। उसका जनरल क्वालिटी के टर्म्स में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले ब्रिक्स हैं, ये दो प्रोसेस किसी भी एक प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं। पहला है टेक्निक है प्रेसिंग, दूसरा है एक्सट्रूजन। ठीक है, तो दे शैल बी मेड फ्रॉम प्रोसेस्ड क्ले का आपको यूज करना है, या ऐसी क्ले जहां पे जो प्रोपोर्शनिंग है वो प्रॉपर है। ठीक है, और प्रॉपरली आपको मैच्योरिंग टेम्परेचर पे इनको बर्न करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वेल बर्न ब्रिक्स नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एडिक्वेटली एज पर देयर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। ठीक है, उनको प्रॉपरली सोक करके, एनील करके और कंट्रोल कंडीशन में हमें फिर कूल करना है। ठीक है, अगर हम
इन ब्रिक्स को ब्रोक करते हैं तो जो फ्रैक्चर्ड सरफेस है ब्रिक का, दैट शैल शो अ यूनिफॉर्म डेंस स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम लार्ज वॉइड्स। वॉइड्स कम होंगी, लैमिनेशंस नहीं होंगे एंड लाइम पार्टिकल्स नहीं होंगे। लैमिनेशंस और इसके बारे में आपने ऑलरेडी हमारे जो डिफेक्ट्स हैं ब्रिक के वहां पर पढ़ रखा है। एंड द ब्रिक सेल हैव अ स्मूथ रेक्टेंगुलर फेसेस विद शार्प कॉर्नर्स एंड सेल हैव यूनिफॉर्म इन कलर। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो जो हमारा स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का अवेलेबल है दैट इज 190 लेंथ, विड्थ शुड बी 90 mm एंड हाइट हैज टू ऑप्शन 90 mm या 40 mm। तो ये दो साइजेस हमारे ब्रिक्स के स्टैंडर्डाइज किए गए हैं IS 2180 के थ्रू, ठीक है, जो मैक्सिमम डायमेंशनल टॉलरेंस है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो लेंथ थी 190 mm, इसमें अगर आप फील्ड पे जब मेजर करते हो तो किस लेवल पे आप एक्सेप्टेंस करोगे अगर उसकी इंडिविजुअल ब्रिक्स पे हमने टॉलरेंस दी है। इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हैवी ड्यूटी ब्रिक्स के केस में हम इंडिविजुअल ब्रिक्स के रेस्पेक्ट में टॉलरेंस दे रहे हैं, इट शुड बी प्लस माइनस 4 mm। यहाँ पे डायमेंशन mm में है, 90 mm में हमारा प्लस माइनस 2 mm है, 40 mm में भी हमारा प्लस माइनस 2 mm है। फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले बेसिकली हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में पहली है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दूसरा है वाटर अब्सॉर्प्शन, तीसरा हमारा है इफ्लोरेसेंस और चौथी प्रॉपर्टी है बल्क डेंसिटी। तो बेसिकली इन चार फिजिकल पैरामीटर्स पर हमारे कोड ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एंड इनकी स्पेसिफिकेशन लेट डाउन की है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया कि दो क्लासेस हैं, उसके हिसाब से ब्रिक का जब आप टेस्ट करते हो तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको अचीव करनी है, ठीक है। तो अगर कई सारे ब्रिक्स ले रहे हो तो आपको उनका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेना है, और किसी केस में अगर आपका जो इंडिविजुअल ब्रिक की स्ट्रेंथ आ रही है वो हमारी अपर लिमिट ऑफ उस क्लास के, यानी क्लास 40 के लिए आपने टेस्ट किया और ब्रिक की स्ट्रेंथ आपकी 46 आ रही है, तो जब आप एवरेजिंग करोगे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 45 थी, तो एवरेजिंग में आप 45 लोगे, कोड ये कहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की इंडिविजुअल ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से 20% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हमारी क्लास 40 के लिए बात कर रहे हो तो हमारी 40 Nm² इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो 30 इसका 20% आप कम करोगे तो इसकी इस क्लास का जो ब्रिक होगा उसकी स्ट्रेंथ हमेशा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, ठीक है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की बात करें, एवरेज की बात नहीं करें, दिस इज द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ जो आपने टेस्टिंग के लिए लिए हैं ब्रिक्स, ठीक है, ये एवरेज स्ट्रेंथ है। और जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है हर ब्रिक की, दे शुड बी ग्रेटर देन 38 Nm², यानी दे शुड बी 20%, यानी इसकी 38 Nm² से स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी इंडिविजुअल ब्रिक की, और एवरेज स्ट्रेंथ हमेशा 40 Nm² से ज्यादा होनी चाहिए। वाटर अब्सॉर्प्शन के केस में हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक्स में रिस्ट्रिक्शन 10% पे लगाया गया है, एंड दिस इज द एवरेज वाटर अब्सॉर्प्शन। और टेस्ट आपने कैसे किया, बाई सोकिंग द ब्रिक, 24 घंटे तक आपने उसको सोक करके रखा और जो एवरेज वाटर अब्सॉर्प्शन आपने निकाला इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 10%। तो मैक्सिमम लिमिट 10% है, लेकिन अगर आपका जो परचेजर है, जो खरीदने वाला है, इसमें 5 hours बॉइलिंग टेस्ट भी होता है हमारा वाटर अब्सॉर्प्शन टेस्ट में, जिसको हम IS 3495 Part 2 के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इस केस में हमारी जो एवरेज वाटर अब्सॉर्प्शन है इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टेस्ट का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे वाटर अब्सॉर्प्शन की लिमिट कोड ने स्पेसिफाई की है। ई फ्लोरेसेंस टेस्ट के केस में हमारा जो कोड यूज होता है IS 3495 Part 3 यूज करते हैं, जिसमें हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक्स के लिए जो रेटिंग है ई फ्लोरेसेंस की वो नील यूज करना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ई फ्लोरेसेंस के लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हैवी ड्यूटी के लिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। जो फोर्थ हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट है दैट इज बल्क डेंसिटी। जो डेंसिटी है ब्रिक की बेसिकली आप कैसे निकालोगे, एक ओवन लोगे, उसमें ब्रिक को हीट कर लोगे, तब तक हीट करोगे एट अराउंड 100 to 110
15 डिग्री सेल्सियस टिल इट रीचेस कॉन्स्टेंट वेट। ठीक है, इसकी डायमेंशन मेजर करोगे और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो कॉन्स्टेंट मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम यू विल गेट डेंसिटी ऑफ द ब्रिक। तो हमारी मिनिमम डेंसिटी ऑफ ब्रिक जो होनी चाहिए दैट शैल बी ग्रेटर देन 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आपकी बल्क डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आता है सैम्पलिंग और क्राइटेरिया ऑफ कन्फर्मिटी। हमारा जो लेट डाउन है द मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड द क्राइटेरिया फॉर कन्फर्मिटी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन IS 5454। तो इस कोड का आपको ध्यान रखना है, IS 4454 के अकॉर्डिंग आप इसमें सैम्पलिंग करते हो। और मार्किंग कैसे करोगे, ईच ब्रिक शैल बी मार्क इन द फ्रॉग वेयर प्रोवाइडेड विद द मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो जो हमारी फ्रॉग है उस पोर्शन में हम मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क या उसका इनिशियल्स हम इनग्रेव कर देता है अपना, जब भी मैन्युफैक्चर हमारा मैन्युफैक्चर कर रहा है ब्रिक। ठीक है, या कोई भी ब्रिक स्टैंडर्ड मार्क से भी आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मार्क है वो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक्ट है 1986, उससे गवर्न्ड है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट हैज टू बी कंप्लाइड फॉर मार्किंग विद ए स्टैंडर्ड मार्क। अदरवाइज हमारा जो मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो जनरली वो इंग्रेव करके रखता है। सो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।